नमस्कार, यूबीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूबीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूबीएन 08 के साथ। यूबीएन 08 ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूबीएन 08 के साथ। ब्यूरो चीफ सलमान चंद्र गिरी की रिपोर्ट। आज चेरामांगी में फुटबॉल की मैच रखा गया। पिछले 3 दिनों से कंटिन्यू लगातार मैच खेला जा रहा है। आज फाइनल मैच था जिसमें चेरामांगी के ए टीम और बी टीम दोनों टीमों में जमकर टक्कर हुआ, जिसमें बी टीम ने जीत हासिल की। इस रोमांचक मैच को देखने के लिए विधायक प्रतिनिधि मनोज आलम मुख्य अतिथि के रूप में आए। यहां और भी बड़ी संख्या में चेरामांगी के ग्रामवासी मौजूद थे। सरपंच मुन्ना कुरसम ने बताया कि पिछले 3 दिनों से फुटबॉल का मैच लगातार चल रहा है। ग्राम पंचायत और समिति की ओर से इनाम भी रखा गया है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 10,001 का है मनोज अवलम की ओर से, द्वितीय पुरस्कार 5,001 का है। नुकानफल चेरामांगी के सरपंच मुन्ना कुरसम एवं नीरज टोपो सचिव द्वारा दिया गया है। हमारे ग्राम पंचायत में ऐसे ही अनोखी खेल हमारे ग्रामों में चलते रहते हैं। हमारे गांव के बच्चे भी जंगल से निकलकर बाहर आएंगे और शिक्षा खेल में आगे बढ़ेंगे। मोदी जी, आपका नाम क्या है? मनोज अवलम, विधायक प्रतिनिधि। आज चेरामांगी में जो फुटबॉल की मैच हो रही है, यहाँ पे दोनों पार्टी के यानी कि ए टीम और बी टीम दोनों भाग लिया है, क्या लगता है आपको इस दोनों पार्टी कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये दोनों, ये और बी टीम जो चेरामांगी है, ये जहाँ आज राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित किया गया, उसमें कुल ब्लॉक स्तरीय खेल में 8 टीमें आई थी। उनमें से सभी टीमों को पछाड़ते हुए दोनों चेरामांगी के और बी टीम का आज मुकाबला हो रहा है। उन टीमों में बहुत ही अच्छा दोनों टीमों का प्रदर्शन ठीक है, और अब जिस जो भी टीम जीतता है तो उस टीम के सभी खिलाड़ियों को मेरे ओर से एवं ग्राम पंचायत पुशु नुकानपाल की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। सर, इस फुटबॉल मैच के लिए जो इनाम मंडी घोषित किया गया है, क्या प्रथम पुरस्कार और द्वितीय और तृतीय तीनों इनाम क्या क्या रखा गया है? ये मैं आपको बता दूँ, ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट का प्रथम इनाम 10,001 रुपया जो प्रथम इनाम दिया जाएगा, और उसके द्वितीय इनाम 5,001 रुपया ग्राम पंचायत की ओर से प्रदत्त किया जाएगा। ये राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया है। फुटबॉल ही मैच होगा कि अन्यथा और महिलाओं के कुछ और भी खेल यहाँ पर? फुटबॉल के अलावा, ये फाइनल मैच के अलावा, यहाँ ग्राम पंचायत नुकानपाल की ओर से रस्सी कस्सा एवं कुर्सी दौड़ का आयोजन किया गया है, उसका भी महिलाओं द्वारा अभी किया जाना बाकी है। आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ के सरपंच और यहाँ के सारे लोग आप आने से अति खुश हैं, तो बच्चों के खेलने के लिए देखिए आपको क्या लगता है? जो यहाँ के हमको ग्राम पंचायत की ओर से हमको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, उस पहले तो मैं ग्राम पंचायत सरपंच और सभी ग्रामवासियों को बधाई देता हूँ कि मेरे को इस ग्राम पंचायत में एक चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित कर एक यहाँ का इस खिलाड़ियों पूरे खिलाड़ियों के द्वारा जो खेल हो रहा है उस खिलाड़ियों का आनंद लेते हुए सभी दर्शक एवं सभी लोग आए हुए सभी को पुनः मैं बधाई देता हूँ।